हो तो कुछ कर गुजरने का तय कर लो तो कठिन रास्ते भी आसान हो ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही ग्वालियर के युवा ने कर दिखाया। ग्वालियर के विकास गोस्वामी ने बुजुर्ग बेसहाराओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। सेवा में बाधा न बने इसलिए युवा ने शादी तक नहीं की। सेवा और समर्पण के लिए इस युवा को साल 2023 में सरकार ने ग्वालियर गौरव सम्मान दिया। दरअसल ग्वालियर में स्वर्ग सदन आश्रम है, जहां पर देश के अलग अलग कोने से भूले भटके आए 70 से ज्यादा बेसहारा लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आश्रम को युवाओं की टीम चलाती है। ग्वालियर के रहने वाले युवा विकास गोस्वामी ने 8 साल पहले बेसहारा और बुजुर्गों को परेशान होते देखा तो उनका दिल भर आया। उसी दिन से उन्होंने ये तय किया कि अपना पूरा जीवन ऐसे लोगों की सेवा में लगाएंगे। विकास ने धीरे धीरे बेसहारा लोगों की सेवा करना शुरू किया। उसके बाद थोड़े ही दिनों में उनके साथ युवाओं की टीम जुड़ती चली गई। एक दर्जन से ज्यादा युवाओं की टीम ने आगे चलकर स्वर्ग सदन आश्रम स्थापित किया। वहीं विकास के इस काम की खूब सराहना भी हमेशा नजर आती है, होती है। से पहले हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ये तमाम सड़कों पे देखते थे कि जितने भी लावारिस और बेघर लोग हैं जिनका कोई नहीं है, उनको लोग खाना दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, मगर उनका हालचाल कोई नहीं पूछ रहा, उनसे बातचीत कोई नहीं कर रहा। अगर वो बीमार हैं तो कोई भी उनको इलाज के लिए लेके नहीं जा रहा, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे मन में आया कि ऐसे लोगों की कुछ सेवा करनी चाहिए। सेवा करते हुए जब देखा तो प्रेरणा मिली कि ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए जो अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाते हैं, जो एक जगह पे पड़े हुए उनका पूरा जीवन निकल जाता है। तब लगा मन में कि चलो ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। तब से लेकर आज तक निरंतर ऐसे लोगों की सेवा के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और इस आश्रम का नाम है आश्रम स्वर्ग सदन। ये सच में स्वर्ग है। यहाँ बहुत ही सेवा कार्य होता है। हमारे यहाँ जो आश्रम के संचालक हैं विकास गोस्वामी जी, उन्हें देखकर ऐसा लगता है उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया है सब चीज़ में। हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शुरुआत में सोचा नहीं था इतना कर पाएंगे, लेकिन उन्हें देख देख के लगता है कि नहीं, हम बहुत कम कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, उस पार देखिए खबरें दनादन अंदाज में।